जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरिहंताय, नमो अनंताय, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमाय मंगलम कुंदकुमारायो सर्वमंगल मांगल्यो सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्व धर्माणां जैनम जयतु सा। उपदेश सुत सार जी ग्रंथ विराजमान है और मैं चाहूंगा कि बड़ा प्रकरण है, बढ़िया सुंदर, सभी लोग इसका स्वाध्याय कर लेवे ताकि जो चर्चा मैं कर रहा हूं उसे आप इसमें पढ़ें। 191 से लेकर के 195 नंबर तक की गाथाओं की चर्चा अपन करेंगे। 191 से 195 नंबर की गाथाओं में क्या कहना चाह रहे हैं वो समझने की बात है। बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है, पेज नंबर 120 है मेरे पास। क्या संसारी जीव स्वाध्याय सत्संग नहीं करता? ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया है, क्या संसारी जीव स्वाध्याय सत्संग नहीं करता? प्रश्न क्या है? क्या संसारी जीव, मतलब इसमें बहुत अच्छी पंक्ति आई है, सत्य का निर्णय करने के लिए स्वयं का विवेक चाहिए। क्या बोला? सत्य का निर्णय करने के लिए स्वयं का विवेक चाहिए। दो तीन दृष्टांत है छोटे छोटे। रेलगाड़ी का रिजर्वेशन हो, लेकिन रिजर्वेशन कौन सी सीट का है, कौन सी बोगी का है, कौन सी ट्रेन का है, कौन से समय पे छूटेगी, लेट आ रहेगी, राइट आ रही, ये निर्णय कौन करेगा? निर्णय नहीं करना पड़ेगा। टिकट तो रिजर्वेशन का है, बैठोगे कैसे? बोलने में क्या आता पता है? भैया तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दो, हमने जो भी ट्रेन का नाम हो, अब यहाँ तो दूसरी ट्रेन चलती होगी, हमारे छत्तीसगढ़ चलती, पंजाब मेल चलती, भैया तुम्हारा पंजाब मेल को टिकट, इस तो बड़ा पंजाब मेल को टिकट नहीं है। भैया तुमने बोली थी पंजाब मेल को टिकट करा दी, हमने पंजाब मेल को करा दिया, अब तुम गए और पंजाब मेल में इतनी बड़ी ट्रेन में कहीं भी बैठ गए। समझ में आया? निर्णय तो कौन सी सीट नंबर है, कौन सी बोगी है, कितने बजे छूटेगी, तुम हापर दूपर गए रेलवे स्टेशन, तुम्हारी गाड़ी लेट थी तो तुमने देखी नहीं, और दूसरी खड़ी थी, एक डब्बा में घुस गए। एक चुटकुला सर, एक गांव का आदमी था, बोलते खाली जगह मिली तो ऊपर जाके सो गए, ऊपर जाके मैंने बर्थ पे और नीचे दूसरा आदमी बैठा था, यहां से बातों में चली, कहा भाई तुम कहां जा रहे? बोले हम तो बंबई जा रहे। तुम कहां जा रहे? हम दिल्ली जा रहे। बोले कितनो वैज्ञानिक चमत्कार होगा, वो नीचे की ट्रेन बंबई जा रही। नीचे की बस और ऊपर की बस बंबई जा रही। भाई निर्णय तो बहुत अच्छी पंक्ति दी गई, निर्णय में तो अपना विवेक चाहिए। मैं आपको मेहनत कराऊंगा थोड़ा सा, सरलता से समझाऊंगा, मेरी आदत नहीं है सरलता, बच्चों के लिए भी है, सब लोग समझना, गरिष्ठ बात है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में कहूंगा। सबसे पहली बात है सत्संग। दो शब्द है, स्वाध्याय और सत्संग। सबसे पहले ये समझो कि स्वाध्याय करना कहते किसको है। बोलो, शुरू करूं? बच्चे लोग सुनेंगे, ध्यान रखना सभी लोग, स्वाध्याय मतलब रीडिंग नहीं है, स्वाध्याय माने पढ़ना नहीं है, निर्णय करना है। स्वाध्याय का मतलब
पढ़ना नहीं है, मैंने अभी टिकट का दृष्टांत दिया, सही बताना आपने उपदेश शुद्ध सार पढ़ा, आपने निर्णय क्या किया? तो साहब आप बता देना, हम नहीं बताएंगे, हम तो आपसे निर्णय कराएंगे। जो टिकट आपके हाथ में आ गया, अब निर्णय कौन करेगा? आपको बीमारी है, कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कोई चीज, और तुम्हें ये किताब मिल गई नुस्खा वाली, निर्णय कौन करेगा? उसमें लक्षण दिए, लक्षण मिला, निर्णय करो, तीन बार लेने की, दो बार लेने दवाई, तो निर्णय करो कितनी घोटने। एक बार हमने कहा भैया आठ काली मिर्ची उबाल दी, सुनने सीधी स्यांगी डाल दी आठ काली मिर्ची, समझे? स्यांगी नहीं समझते, आठ काली मिर्ची के दाने डाल दिए। अरे आठ काली मिर्ची उबाली का मतलब है घोट के है, समझ रहे? कुछ मैंने निर्णय करना पड़ेगा हर कदम पर। महिलाएं जल्दी समझ जाएंगी, एक घर में चार महिलाएं हैं और चार ही लोग कड़ी बना ले, और चार ही के कड़ी को स्वाद अलग, काय काय फर्क का है पता? सामान तो वही डालो, सब में सामान तो वही डाला है। चार महिलाओं ने, एक ही घर की चार महिलाओं ने हलवा बनाया, आपने देखा हुआ नानी दादी के हाथ के हलवा का जो स्वाद हुआ है ना, वो 22 साल की बहू के हाथ को हो ही नहीं सका, गारंटी है हो ही नहीं सका। है पंडित जी तुम का जानो भाई, नानी दादी की उम्र होती है 60-70 साल, 50 साल, 60 साल, उनमें धैर्य होता है, धैर्य, कढ़ैया मोटी लेंगी, आंच मद्दी रखेंगी, 20 मिनट सेंकने पड़ेगा, उन्हें तो आदत है। और जी नई नई बहुएं होते, अरे यार कितनी देर लग रहा, तेज कर दी तेज कर, अब तेज कर दो बेचारे, वो आटा 4 मिनट के अंदर बनवाना रहो बन गया, अब क्या करें, उन्हें पहले झट पानी डाल दो, कहते खन तो लगो खेलो खेलो झट पानी डाल दो, भागो उनका बहुत स्वाद अलग हो जाए। मूंगफली सेकना 99% को नहीं आता, मूंगफली सेकने में बड़ी धैर्य चाहिए, बहुत धीरे, अब उन्हें लगा तेज कड़क कड़ाई कर दी घी की तेल की, और 60% 70% बर गए तो समझते खेरे हो गए, इतने खेरे हो गए कि उनके बेचारे की दम निकल गई। अब क्या करो, बोल ये तो दृष्टांत दिया, दृष्टांत देखे तो ये कहना है निर्णय करने के लिए हर समय चाहिए। तीन बातें पढ़ा रहा हूं पहले, तो फिर इन तीन बातों को सिद्ध करने के लिए मैं गाथा लूंगा 191-92, फिर समय मिलेगा कल अपने पास तो अपन 113-94-95 भी लेंगे, लेकिन मैं 5 गाथाओं का सार ऐसे ही बताऊंगा, और आप पढ़ना, और जो चीज नहीं समझ में आए ऐसा तो आ ही जाएगी, फिर मुझसे और पूछ लेना, उसका भी बुला। पॉइंट पकड़ना, अध्ययन नहीं कहा, रीडिंग अध्ययन अलग चीज है और स्वाध्याय अलग चीज है। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए ग्रंथ, खराब भाषा नहीं बोलना चाहता फिर भी बोल रहा हूं, ग्रंथ निपटाना निपटाना माने चलो भाई अब हमने 14 ही ग्रंथ पढ़ लाए, अब जो जरूर जरा मोटो है वो चल 10 पेज रोज पढ़े हैं सो निपट जाए, हाँ समझ गए। माने यदि आप ऐसे पढ़ते हो तो इसका नाम स्वाध्याय नहीं, अध्ययन और स्वाध्याय में बहुत फर्क है। कितना अंतर है तो इसका एक दृष्टांत देता हूं, एक आप अखबार पढ़ते हो, अखबार अपने को निर्णय कुछ नहीं करना है, जानकारी लेना है देश में क्या हो रहा है, केजरीवाल की सरकार बन जाए चाहे नरेंद्र मोदी की बने, चूल्हे में जाए खूब कहा करना, पढ़ लेंगे इतना मैंने सब पढ़ लेंगे। और एक होता है बही खाता, अपने बिजनेस का अकाउंट, सही बताना बिजनेस का अकाउंट कैसे खोलते हैं आप? पंडित जी हमारी 10 मिनट की प्रतिज्ञा, जल्दी करो घड़ी में, ठीक है टाइम लगा, जब वही खाता के ज्ञान से अकाउंट बराबर हुए बताओगे भाई आप लोग व्यापार का अकाउंट कैसे रखते हो? 10 मिनट 5 मिनट की प्रतिज्ञा, आधा घंटा की प्रतिज्ञा, जब तक निर्णय ना हो, एक एक एंट्री का निर्णय करते हो आप, आज कितने खर्चा हुए, हाँ 10 रुपया सब्जी में दे, 50 रुपया वहां में दे,
सामान आओ तो बाकी चुंगी चुकाई मैं जो चुका जो भाड़ा था ऐसा एक एक चीज मिलाते हो आप। एक भी पंक्ति देखते हो अरे इनकी उधार ले वो मां की तुमने लाए नहीं। तीन दिन पहले ड्राफ्ट वो क्या कहलाती एफ डी भुनाने दी तुमने भुनाई नहीं कहा कर रहे तुम देखत नहीं है चलो ध्यान करो कितना लेन कितना देन कितना उधार जो जो कुछ भी है बोलो होता है कि नहीं होता है। एक एक पंक्ति का निर्णय होता है। स्वाध्याय का मतलब है एक एक पंक्ति का निर्णय होता है। दूसरा दृष्टांत दे रहे स्वाध्याय समझा रहा हूं ध्यान रखना स्वाध्याय और अध्ययन का अंतर। अध्ययन में टोटली ओनली रीडिंग कोई मतलब नहीं है रीडिंग ओनली रीडिंग। जैसे जैसे दृष्टांत दे रहे दसवीं का बच्चा अकाउंट पढ़ रहा है कॉमर्स कॉमर्स में है इलेवंथ में कॉमर्स में समझ इलेवंथ में कॉमर्स में है तो अकाउंट का एक एक अकाउंट ऐसे पढ़ता है कॉमर्स है ना इसलिए समझ समझ के पढ़ता है। नाइन्थ की किताब कैसे पढ़ोगे एट्थ की हिंदी कैसे पढ़ोगे सेवंथ की इंग्लिश कैसे पढ़ोगे कोई मतलब थोड़ी है बढ़िया है क्या मैंने हम अपनी चीज को निर्णय से पढ़ते हैं। मैं दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं आपको बोलो बच्चे की शादी करना हो बच्चे की शादी करना हो तो कुंडली मिलाना पड़ती कि नहीं मिलाना पड़ती तो कैसे मिला तो दो ही मिला के जाको वजन पांच ग्राम जाको पाचन पांच ग्राम कैसे मिला जाको कागज अच्छा है जाको कागज खराब कैसे जाके प्रिंटिंग अच्छी जाके खराब ऐसे जिनसे कोई मतलब नहीं है उसमें लिखा क्या है एक एक शब्द अरे जो ही गोत्र अपनो जो ही गोत्र इनको अरे अटक गई गाड़ी एक एक शब्द का निर्णय हम क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूं स्वाध्याय का फल स्वानुभूति है। यदि हमें स्वानुभूति नहीं हो रही सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो स्वाध्याय नहीं हुई स्वाध्याय नहीं हुई। अध्ययन हो सकता है आप डिग्री ले सकते हो शास्त्री बन सकते हो क्या क्या कर सकते हो हमने साहित्य ग्रंथ पढ़े इतने ग्रंथ पढ़े इतने ग्रंथ पढ़े हमने तुलना करी जो पीएचडी वाले बहुत बेकार आदमी होते हैं तुलना करते हैं इनसे उनकी उनसे उनकी सांत क्या कह रहे पीएसएससी का कह रहे जैन का कह रहे तारण स्वामी का कह रहे कांजी स्वामी का कह रहे और कुनकुन स्वामी क्या कह रहे तुलना नहीं करो निर्णय करो। मैं एक बात पूछू आपको इलाज करना है तो स्वाध्याय करोगे और डॉक्टर बनना है तो तुलना करोगे। जिनको जुखाम अलग प्रकार को है और जो कोरोना वायरस को जुखाम है जुखाम के बड़े प्रकार हो जे हमें क्या लेना देना हमें कौन सा है ये देखो ना पर समझ में आई बेटे जिनवाणी पढ़ने का मतलब सब लोग ध्यान से सुनना समझ गए तो बस बहुत जल्दी स्वानुभूति होगी आपको। जिनवाणी में क्या क्या लिखा है आचार्यों ने क्या क्या लिखा है पंडितों ने क्या क्या लिखा है विद्वानों ने क्या क्या लिखा है इनकी बड़ी महिमा है इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सब पंडितों के काम है आत्मार्थी के काम नहीं आत्मार्थी का काम है बोलो बोलो इसमें लिखा है भगवान आत्मा शुद्ध है। रुको 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 क्या कह रहे जी भगवान आत्मा शुद्ध है अपन को हाँ अपन भी भगवान ए चुप कैसे बोल रहे अपन ही भगवान आत्मा है समझ आए कुछ अंतर हाँ ठीक है देखो सवई आत्मा भगवान आत्मा है बात तो सही है तारण स्वामी सही कह रहे बात तो सही जी का पढ़ जी पढ़ने की स्टाइल खराब है जी स्टाइल नहीं ए, सुनी तुमने तुम लड़का नहीं हो भगवान हो और ये आनंद आ गया अपन सब भगवान और रोमांच हो जाए जैसे रोमांच हुआ ये स्वानुभूति की ओर ले जाएगा। हाँ निश्चय ने से लिखी है निश्चय ने को प्रधानता है कारण स्वामी निश्चय ने की प्रधानता करती गलत गलत बात गलत बात। अरे जैसा आत्मा है वैसा बता रहे थे इसका नाम तारण स्वामी की विदेशना है जैसा हाँ क्या बोलिए हम जल्दी बोल रही जैसा आत्मा था उसका नाम निश्चय ने है तुम से बच्चे कितने कितने हैं तुम्हें तो बच्चे कितने बच्ची कितनी है बोलो भाई गिन के बता दो अंदाज से बता दो अंदाज से बोलते इतनी देर लगाओ तो हमारे काम ही बढ़ रहे हैं 16 बच्चा 2 बच्ची है
सुनो सब भगवान आत्मा है, सब भगवान आत्मा है। यहां से निर्णय करना है, यहां से निर्णय करो। हाँ, राग ने आत्मा को छुआ नहीं, सोचो तो जाना, राग ने आत्मा को नहीं छुआ मतलब एक तरफ लिख रहा है आत्मा राग का करता है और एक तरफ लिख रहा है आत्मा राग का करता नहीं। जी क्या चक्कर है? रुको रुको पंडित जी, सही सही बताओ, हम जो रोटी खाते जाके करता हम है कि नहीं? ऐसे रुक के फैसला करोगे तब स्वाध्याय होगी, और नहीं तो अध्ययन तो कर लोगे, आप रट लोगे, नए चक्र पढ़ लोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, प्रमाण नैनिक से जो जो होंगे जिनवाणी में सब पढ़ लोगे। मुझे मैं लिखा है इसमें बहुत अच्छी बात, सत्शास्त्रों को भी बोलू कुछ कुशास्त्रों की तरह नहीं पढ़ना। ये जिसका मतलब सच्चे शास्त्रों को भी टोडरमल जी ने भी लिखा है आठवें अध्याय में, जैन ग्रंथों को जिनाज्ञा मानता है, जिनाज्ञा मानता है स्वाध्याय भी करता है, लेकिन लेकिन मिथ्यात्व का पोषण करता रहता है। इसमें वही प्रश्न खड़ा, क्या संसारी जीव स्वाध्याय सत्संग नहीं करता? तो लिखा है करता तो है, परंतु कैसे गुरुओं का सत्संग और किन शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए इसका विवेक नहीं है। कौन से ग्रंथ पढ़ना है तब आपको वो सच्चे ग्रंथ। अब मुझे इसमें एक बात और कहना है, सच्चे ग्रंथों को भी सच्चे ग्रंथ तरीके से पढ़ना है। क्या बोला मैंने, क्या बोला? सच्चे ग्रंथों को भी, थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया था, बेसन तो वही है, कड़ी ढंग से कहा नहीं बन रही, हलवा एक जैसा क्यों नहीं बनता, घी तो वही है घर में। सच्चे शास्त्रों को भी सच्चे शास्त्रों जैसा पढ़ना है। मैं इसमें बहुत खुलासा करना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ना है, सच्चे शास्त्र पढ़ना नहीं है। एक बात तो याद हो गई होगी इतनी देर में, निर्णय के लिए पढ़ना, दूसरी बात टालने के लिए नहीं पढ़ना, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नहीं पढ़ना, समझ रहे? अब थोड़ी सी और कह रही, दृष्टांत पहले दे दे रहे, इसमें लिखा है प्रद्मान युग वगैरह पुराण हो तो कोई से हो तो उन्हें पढ़े समय कि नहीं, प्रश्न है इसमें बहुत अच्छा लिखा, शास्त्र पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, उत्तर सुनना इसका। सुनो, एक डॉक्टर, अपन कोई डॉक्टर के पास जाते हैं कैंसर का इलाज कराने, हार्ट का इलाज कराने, तो अपन प्रद्मान युग सुनना चाहते, प्रद्मान युग मतलब कौन कौन को इलाज ठीक हुआ, प्रद्मान युग में क्या बता दें, इनमें ये डॉक्टर से कौन कौन रोगी स्वस्थ हुआ, इस डॉक्टर के पास पहले बहुत मरीज आए तो कोई स्वस्थ हुआ होगी, पैसे ही लूटा था, पता लगाते हैं अपन ये प्रथमान योग हो गया। ध्यान रखना, हमें डॉक्टर का निर्णय करना है, हमें उन व्यक्तियों का निर्णय नहीं करना जो स्वस्थ हो गए, लेकिन उनकी स्वस्थता की कहानी ये सिद्ध करती है कि कोई जाति की उसे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों तुम ऐसा होता है, जैनियों की कहानी सुनो, कोई स्वस्थ हुआ हमें क्या लेना है, कोई स्वस्थ हुआ ये रोग इनने दूर कर लिया, ध्यान में समझे ना, इतना निर्णय करते ये डॉक्टर सही है। कहूं प्रतिमान युग स्टोरी की तरह नहीं पढ़ो, कथा साहित्य की तरह नहीं पढ़ो, जानकारी के लिए नहीं पढ़ो, राम लक्ष्मण सीता की जानकारी के लिए नहीं पढ़ो, तो काय के लिए पढ़ो? बोलो पूरा प्रतिमान युग सुनना है आपको, पूरा प्रतिमान युग एक लाइन में सुनना है। तारण स्वामी जी की सहेली वाला सुनो, जिन्होंने शुद्ध आत्मा की विराधना करी वे नरक में गोद गए, जिन्होंने शुद्ध आत्मा की प्रशंसा की वे स्वर्गादि गए, और जो जिन्होंने शुद्ध आत्मा में रम गए वे मोक्ष गए, प्रथमान ही वो पूरा हो गया। प्रथमान ही पूरा हो गया, बोलो कोई बच्चे लोग कौन बोलेगा, फिर से बोल दे रहे, ध्यान से सुनना, जो शुद्धात्मा के विराधक हैं, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में डूबे हैं, अन्याय अनीति अवक्ष में डूबे हैं, जो शुद्धात्मा को नहीं जानते वे चार गति में निंदा को प्राप्त होते हैं, चार गति में रखते हैं, जी जिस जे है प्रतिमान योग में, हाय हाय रावण। देखो यही भैया क्या सो दुर्योधन था, धन्य पांडव, देखो जिन्होंने शुद्धात्मा की निंदा करी, आराधना नहीं करी, विचार गति में रखी, जिन्होंने शुद्धात्मा की आराधना करी रे, पहले पहले शुद्धात्मा की प्रशंसा करी, अनुमोदना करी,
खुद नहीं चल पाए तो धर्म मार्ग में चलने वालों की अनुमोदन ना करी, शुद्धात्मा के मार्ग की प्रभाव ना करी, ये स्वर्गाधिक में गए और जो शुद्धात्मा में रम गए वे मोक्ष गए। बस तीन रिजल्ट बताना है प्रसमान योग में। अब ये तो हमें पता ही नहीं लगी समझ में, और हम जो कहानी बढ़े जो लोग प्रतमानी पढ़ते हैं ना वो बीच बीच में 6 द्रव्य 7 तत्व के निर्णय की चर्चा आती होती हटा दे, जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिला तो उसकी हटा दे, कितने पेज है 3 पेज हटाए दे, फिर कहा भाव सीता को हरण होगा, फिर कहा भाव उसकी। तो इसलिए ऐसे नहीं पढ़ना, ये कहना है बस प्रतमानी इसलिए पढ़ना मैं भी शुद्धात्मा को जानूंगा तो यही फल मुझे होगा, और मैं शुद्धात्मा की विराधना ना करूंगा तो यही फल मुझे होगा। प्रथमानी समझ आए, प्रथमानी समझ गए बच्चे लोग। प्रथमानियों में कहानियां आती हैं, पुराण पुरुषों के चरित्र आते हैं, बराबर। तो अब मैं आपको प्रथमानी सबको प्रैक्टिकल बताता हूं, क्यों इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि 4 अनुयोग नहीं अकेले पढ़ना, 4 अनुयोग को जीवन में पढ़ना। क्या कहा? 4 अनुयोग इधर ही नहीं पढ़ना, इनमें ये लिखा, इनमें ये लिखा, इनमें लिखा, नहीं, वो जीवन में आना चाहिए। जैसे जैसे दृष्टांत दे रहे, आपको पता है जब बच्चे पढ़ाई नहीं करती तो अम्मा प्रथमान योग सुनाती है प्रैक्टिकल, देख बेटा वो मोड़ा गरीब है तो खूब पढ़ो लिखो, IAS बन गए, अब यहां से अच्छी पत्नी मिली, 1 करोड़ को दहेज मिला। अभी प्रथमान योग सुनाया उसको, क्यों प्रथमान योग सुनाया समझ गए, तुम्हें ब्याह करने बोलो, देखो वो मोड़ा पड़त नहीं आता, गैया चरा रहा, देख भाई मोड़ी तक नहीं मिली, 40 साल को वो नहीं पूछ रहा, जूता चटका धर देता, बस नहीं सुनाते प्रतमानी हो, देखो पढ़ाई नहीं करता था वो बेचारा परेशान हो रहा है, कोई नहीं पूछता, नौकरी तक नहीं मिली, तुम ढंग से पढ़ ले, बोलो प्रतमानी सुनाते नहीं सुनाते, देखो बेटा डॉक्टर बन जाओगे मजा करोगे, ये प्रतमानी सुना देती। तो बच्चा क्या करता, उनका निर्णय करके, उनका निर्णय नहीं करता, ये समझ गया कि पढ़ाई करना ही चाहिए, ये निर्णय ऐसे यहां पर निर्णय होना चाहिए। अरे रे जब बड़े बड़े पुरुष धर्मात्मा राजा जरा भटक गए से उपतित हो गए, अब तो हमें सावधान होना चाहिए। परीक्षा ले लें आपकी, बोलो परीक्षा ले लें, समाचार पत्र पढ़ के किस किस को ऐसा लगता है, हालांकि अपनी अपनी परीक्षा कर लियो, हमें मत बना, एक पैसे का भी बेईमानी करने लायक नहीं है, पर 10 साल तक मजा कर ले, अभी 20 साल मजा कर ले, लेकिन एक ना एक दिन फंसना सबको एक दिन। गलत कह रहे तुम, बता निर्णय होना चाहिए, हम सही बता रहे, शास्त्र में तो हमने सिद्धांत पढ़े लेकिन समाचार पत्र में मैंने निर्णय किया। जितने लड़के लड़कियों को देखते हैं, इधर उधर चलते हैं, मोबाइल ले घूमते हैं, मोबाइल वीडियो गेम खेलते हैं, एक एक को हमने ये सीख लिया कि मोबाइल छूने लायक नहीं, मोबाइल में फिल्में देखने लायक नहीं है, मोबाइल बर्बाद कर रहा है, निर्णय उनको देख के करा, हमें घिर के नहीं संभलना है, दूसरों को गिरता देख के संभलना है, ये प्रतिमान योग है। देखो बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे रोज भोजन करते समय वो बातें सुनाती थी जिसका आज मेरे ऊपर असर है, आपको भी सुनाती होंगी, पक्की बात है हर माँ ऐसा करती है, समाज में कोई भी घटना घटती थी तो माँ मुझे भोजन करते समय सुनाती थी, उनकी लड़की भग गई बेचारी खूब रो रही, कहा कि यह सुबह नहीं रुक रहा बेचारी, मंदिर में उस मुंह नहीं दिखा पा रही, उन्हें ऐसे ऐसे वर्णन करती थी वो सुना सुना के, तो हमें जी लगता अभी तो जिंदगी भर ऐसे परेशान हुई, अरे अपने को ऐसा नहीं करना, समझ गए प्रतमान योग से उत्तर। बोलो भाई आसाराम से क्या सीखा? अखबार सिखाते हैं हमको, भैया ए बेटा सावधान रहना बेटा, देखो मैं जूता पड़ रहे, देखो पराई स्त्रियों की ओर नहीं देखना, पराई माँ बहनों की ओर नहीं देखना बेटा, ये अखबार पढ़ के सीख लो, जिनवाणी में से तो सीखना ही है, लेकिन हमें आजकल ऐसा लगता है अरे बात तो सही तो नहीं बोलो, हमारे पंडित साहब तो के बहुत बड़े शत्रु है ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब, हाँ बेटी जल्दी पकड़ तो समझ गए, जैसे हमने कही पंडित जी आप बात तो सही कह रहे,
एकदम पकड़ तो नहीं, बात सही ही कह रहे, समझ गए बात, तो समझ गए, तो का मतलब समझते हो तुम लोग भैया? भगवान आत्मा सोचे बात तो सही है, आपको पता समझ में इसका मतलब क्या निकला, बात तो सही है मतलब हम नहीं माने, लिखी तो सही है, अब जिन वाणी में तो जय लिखी रहेगी, बात तो सही है, इसका मतलब हम नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये निकला। तो का मतलब समझ में आया? तो का अर्थ हमेशा उल्टा होता है, बता दो तो का मतलब उल्टा कैसे होता है, जैसे कोई अपने समाज के व्यक्ति आए, कहे भाई क्या वो लड़का कैसा है, हम भाई देख रहे आए अपनी बिटिया के लाए कैसा है, हाँ लड़का तो ठीक है, अर्थ करने के लिए बताइए, मैं तुम क्या समझी बता, लड़का तो ठीक है, अब तो बता तुम क्या समझे है ना, तो फिर अपन और पूछे जब ठीक है तो क्या लगा रहे, कछु गड़बड़ है, फौरन पूछे कछु गड़बड़ नहीं, गड़बड़ तो कछु नहीं है, तो फिर तो क्या लगा गड़बड़ नहीं, फिर जब बोलो गड़बड़ नहीं है, नहीं गड़बड़ तो कछु नहीं, क्या कमात नहीं है क्या, नहीं कमात तो है जाने, ऐसी कछु बात नहीं, कमात तो है, तो रात के खा नहीं, जैसे रात को तो नहीं खा, भाई तो लगाए जाते, सही बता ना, आप देखो कैसे निर्णय करते हो, आप बताओ जिस लड़के के साथ तो लगी हो उसे आप अपनी लड़की देते हो कि नहीं देते, केवल तो के कारण नहीं दे रहे, कमात तो है, रात को तो नहीं खाओ, चेत्याल तो जाऊ है, स्वाध्याय तो करता हुआ है, वैसे तो सब ठीक है भैया, ये हम कछु किया नहीं रहे तो भैया तुमने तो सब कुछ कह दिया, आपके समय ध्यान रखना, मैं देखो हंसी हंसी में नहीं कह रहे हैं, हम मैं आपको सच कहता हूँ 100%, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो आप चेक करके देखना, पढ़ते समय तो आ रही होगी, ये कोरोना वायरस की तरह आ जाए, कोरोना वायरस समझा था आजकल मैं तो मैंने वायरस, जैसे लैपटॉप चलाओ ना तो उसमें एरर आ जाती, क्या आ जाती, वायरस आ जाता, बैक्टीरिया खा जाते, वायरस यहां से आ जाता है, वो पढ़ा दिया पूरा, सच्ची तो लिखी है पंडित जी को ना अपने घर से कह रहे, बात तो सही कह रहे, ये तो क्यों कह रहे थे, एक काम करो थोड़ा और समझा, कह जी कौन है तुम्हारी, वैसे तो मम्मी है का मतलब निकले, वैसे तो मम्मी है, सीधे बोलो मम्मी है, निर्णय की भाषा में बोलो, निर्णय की भाषा में बोलो ना, ऐसे यहां पर सुनना, जब शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक एक शब्द यदि वहां लिखा भगवान आत्मा शुद्ध है, ओहो तो मैं भी तो भगवान आत्मा हूं, मैं भी शुद्ध हूं, नहीं वो निश्चय से लिखी, व्यवहार से तो अपना शुद्ध है, कई लोगों ऐसे पढ़ते हुए भी मानते हुए भी कहते हुए भी, बात तो सही है भैया, तरकार शुद्ध है, बात तो सही है, सिद्ध के समान है, जैसो आत्मा वैसो परमात्मा, बात तो भैया सही में बड़ी खतरनाक है, और जैसे जैसे कहेंगे भी तो पंडित जी निश्चय से बात है, व्यवहार से तो अपन आदमी है, कहे तुम दो चीज हो, एक निश्चय से एक व्यवहार से, अब इस बात को पढ़ाने के लिए मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना, आज के प्रवचन में ये बात समझाना है मुझे पूरी, समझा दूं सिद्धांत, अब सिद्धांत शुरू कर दूं, स्वाध्याय कैसे करना है ये आपको बता दिया मैंने, सत्संग थोड़ा सा और सुन लो, सत्संग ध्यान रखना बेटी, सत्संग कहा है संयोग नहीं कहा है, मेरा संयोग भी कर सकते हो आप, आज संयोग में बैठे हो आप, और मेरा सत्संग भी कर सकते, रेलगाड़ी में आप संग जा रहे हो कि अकेले जा रहे हो, जब हमने पूछी कहा है तुम कौन कौन आए, बोले अकेले आए दम हो से, कहे रेल खाली आई रेल खाली आई क्या, कि नहीं रेल में तो बहुत भीड़ रहती, लेकिन हमने किसी का सहयोग नहीं किया, हमने संग नहीं किया किसी का, हम अकेले थे, ऐसे यहां पर बोलो भाई तुम घर में संग रहते हो कि सत्संग में रहते हो कि संयोग में रहते हो, बोलो, यदि मुनिराजों की भक्ति का एक लाइन गा दे रहे हो,
वेदन जिने असंग ज्ञान का नहीं संग में अटके, वेदन अनुभव फीलिंग। जैसे रेलगाड़ी में जाते अपन, बस में जाते, इतनी पब्लिक में भी अपना अकेले अकेले चले जा रहे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि छह अज्ञानियों के बीच में भी अकेले ही चले जा रहे हो। समझ आ रहे हैं? वेदन जिने असंग, असंग ज्ञान, ज्ञान कैसा पता है? वो कभी किसी के संग नहीं होता है, ज्ञान हमेशा अकेला होता है, ज्ञान हमेशा एंजॉय करता है, ज्ञान हमेशा पूरा होता है। कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुधारस गट के, गट के तो समझते हो, अब सोचो वो हम सिखाएंगे अभी थोड़ा सत्संग। एक तो यहाँ चलो भैया हमारा तो नियम है, वो हम रोज जाते हैं मंदिर विधि करत भैया, नहीं तो क्या पता क्या तो लगा था मैं देती आता नहीं। आप बुरा नहीं मानो तो मैं खराब शब्द इस्तेमाल करूं, बुरा नहीं मानो तो मान जाओ तो हमें बता के मान लू। जितने ऐसी बात हो गई कि जो कोई वो तलब लग जाए ना, तलब तलब फरमाए रीति हाथ नहीं, तलब परेशान करे दुआ। जितने ऐसी बात हो गई, अरे मंदिर आना एक प्रयोजन है, स्वाध्याय करना एक प्रयोजन है, सत आवश्यक का एक प्रयोजन है, वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए। हम एक बात कह रहे, पूछ रहे तुमसे, कहे पंडित जी हमारा तो नियम है दो टाइम चौका में जरूर जात, लेकिन खात का छुपी का मतलब निकले जा, फिर जात का आगे ला दियो भाई, जब नहीं खाना तो जात का आगे पॉइंट। ऐसे तुम चैतन्य में आए हो, शास्त्र पढ़े, नमस्कार किया, जो जो तुम करते हो करते हो, तो फिर तुमने काय के लिए किया था? नहीं पंडित जी हम जाते हैं डफर सिस्टम में और लिए सब है, खात नहीं। ऐसे हम चैतन्य में आते थे ग्रंथ खोलते भी हैं, लेकिन समझत कर चुके जी, क्या मतलब निकला? निर्णय, फिर कह रहे निर्णय, ध्यान रखना स्वाध्याय का फल स्वानुभूति है, स्वानुभूति का फल कर्मों की निर्जरा है, संबर है, निर्जरा है, बहुत बड़ा काम है वो तो। मुझे हर प्रेरणा करनी है, पढ़ने की भी प्रेरणा करनी है बेटी, स्वाध्याय की भी, और मैं निर्णय भी चाहता हूँ और निर्णय कराऊंगा भी, जल्दी तो नहीं, आकुलता तो नहीं हुई है, नहीं तो 8 से 9 को टाइम तो हो भी वाला, 6 मिनट बाद आकुलता नहीं कर रहा हूँ, चलाएंगे, बहुत अच्छा विषय लेने वाली है। देखो मैं, मेरी गंदी आदत नहीं, मैं चाहूँ ना तो फटाफट बहुत सारी चीजें पढ़ के सुना दूं और शॉर्ट में चला दूं, लेकिन हम उसका मर्म समझाएंगे आपको। निर्णय मेरा उद्देश्य निर्णय कराना है, आप निर्णय करना बराबर। चलें अब आगे सत्संग, अब सत्संग सुनो, सत्संग क्या होता है बेटे? ये तो संयोग हुआ, चैतन्य संयोग हुआ, शास्त्र संयोग हुआ, हम तुम्हें मिल गए ये संयोग हुआ, यहाँ तो सत्संग कहाँ है? तो तारायण स्वामी ने इसका बहुत अच्छा किया, सुनना जैसी बात है। सत मने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा, और स्वरूप समझने पर उसकी संगति हो गई, संगति हो गई, संग संगति, संगति हम सुना है, संगति करो, सत्संग करो, सत्संगति करो, संगति का सुनोगे? संगति को संधि विच्छेद करो, हिंदी में स्कूल में संधि विच्छेद करो संगति का, तो उसका खुलेगा सम प्लस गति, सम प्लस गति, इसका नाम है संगति। क्या मतलब? गति माने अवस्था, परिणमन, अनुभूति, और सम माने समान, तुम जिसके संग रहोगे उस जैसे परिणमने लगोगे। बीड़ी पीने वालों की संगति करोगे सम गति, बीड़ी पीने वाले पिटेंगे तो तुम पिटोगे, सिगरेट पीने वाले की कुल वो क्या हुई है, कैंसर हुई है, तो तुम उनकी संगति करोगे तो तुम्हारी भी परिणमन कैंसर का होगा। समझ में आ गया? ऐसे ही जो आत्मा का संग करते हैं उन्हें आत्मा के समान गति होती है, अर्थात रत्नत्र रूप परिणमने का नाम संगति है। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टा समझ में आ गया? जिसकी संगति करोगे उस जैसे परिणम होगे, ऐसे ही धर्म आत्मा के आप संग करोगे तो आत्मा रूप परिणमित होगे, मेरे केवल ज्ञान होगा,
सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होगा जी, निश्चय हो गया, निश्चय। और व्यवहार क्या हो गया कि धर्मात्माओं के संग रहोगे तो धर्म करने की इच्छा होगी। बहुत देख ले, जैसे तुम अभी डफर सिस्टम में जाओ तो तुम्हें भी ऐसी इच्छा होगी, कब धन्य सो अवसर पाऊ जब उठा उठा के खाऊ। और जब तुम हमारे भोजन देखोगे, धर्मात्मा को भोजन देखो, तो तुम्हें भी यहां से लगे ये अपन भी मौन पूर्वक करेंगे भी, अपन भी थाली धोके पियेंगे, अपन भी शांति से मांगेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हाँ ऐसे करने अपन। तो जिनके संग में रहोगे उन जैसे परिणाम लेने की इच्छा होगी, इसका नाम संगति होगी। तो आचरण में संगति, धर्मात्माओं के संग में रहोगे तो करोगे, पापियों के संग रहोगे तो पाप करोगे। तुम एक काम करो, चार लड़के ऐसे दोस्त बना लिए जो फिल्मों की बातें करे, तो तुम्हें भी ऐसे लगेगा दमुए में कच्छू नहीं है कि ऐसी खुदी सड़क पड़ी, अपन तो कब धन्य सो अवसर पाऊं जब फिल्मी हीरो बन जाऊं। फिर वैसी राम ठाव हो जाए, वैसी खाव पीव हो जाए, वैसी कपड़ा पहन हो जाए, एक पूछ इतने लटक गई, बालन की लटक गई, इधर से कछु कर लो, उधर कछु कर लो, एक कान में कछु डाल लो, काय डाल लो जो पता ही नहीं, काय डाल लो एक कान काय, कछु पता नहीं, पंडित जी ढोल लोग डारा स्वामी डाल ली तो उन्हें ढोर कह रहे, बहुत बड़ा हीरो है वो, ढोर नहीं है, हम ढोर जैसे कह रहे, जो निर्णय नहीं करे वो ढोर है। मैंने हमें कुछ चिढ़ा नहीं रहा किसी को, निर्णय तो करो तुम, एक काम बताओ रामचंद्र जी एक कान में पहने थे कि दो ही कान में पहने थे, यदि तुम देखो पुराणों में तो दो ही कानों में कुंडल पहना था राजा, एक में पहना था बता, लेकिन नहीं वो पता नहीं भाई निर्णय करो सीधी सी बात। तो तुम जिनके संग रहोगे, जिनकी बातें सुनोगे, उन जैसे परिणाम लेने की इच्छा करोगे, तुम्हें जी लगे मैं फिल्मी हीरो बनेंगे बस। अब जाने वाले फिल्मी हीरो कितने दुखी है, डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे, हीरोइन बेचारी भटकती फिर रही, अभी अखबार में आए थे बेस्यावृत्ति कर रही, मां एक बार माँ बाप को छोड़ के चली गई, माँ बाप को तो पसंद आती नहीं है ये चीज, चार दिन पहले पढ़ा था वो महेश भट्ट ने कहा था कि महेश भट्ट का किसका है, परवीन भाभी के बारे में, बेचारी डिप्रेशन में भयंकर अकेला पर, ना मम्मी ना पापा ना भैया ना कोई, अकेली भटक बेचारी मर गई, उसकी पूरी स्टोरी बताई थी उसने चार दिन पहले छह दिन पहले। तभी ऐसी दया आती है, लड़कियां ये नहीं मालूम उनके पीछे क्या हो रहा है, जी नहीं पता, झट दौड़ पड़ती, ए अपने समाज में शादी कर रहे हो कहा करो, हाँ अपन तो फिल्मी हीरो हीरोइन बन जाओ, कोई के संग जाओ, कोई के संग घूमो, कोई के संग बातें लगाए रहो, रात के 2 बजे खिटखिटाते रहो, ऐसी मुसीबत नहीं, ऐसे मोड़ा मोड़ी हो गए, लैटरिन में गए समाज कोई लेके, अब वहां बैठे बैठे क्या क्या कर रहे हो भाई, ठंडों में रजाई के अंदर छिपके खा धरम हो रहा, इसका मतलब समझ आ गया, जिनके संग रहोगे वैसे ही परिणमित हो जाओगे, इसीलिए धर्मात्माओं की संगति कर। ये व्यवहार, ए व्यवहार स्वामी जी इसका एक अर्थ करते, कांजी स्वामी इसका अर्थ करते, व्यवहार नाम कब पड़े जब तू त्रिकाली ग्यारह ध्रुव का संग करे, यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करी तो फिर संगति कहां करे। बहुत सरल दृष्टांत दें, बहुत सरल दृष्टांत, हम डॉक्टर के पास गए बंबई और 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहा हूँ, इलाज भाव ही नहीं, फायदा कर पाओ, इलाज हुए ना, ऐसे ही धर्मात्माओं के संग रहने पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, जैसे डॉक्टर के पास जाके स्वस्थ नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ। बोलो, साल भर तुमने दुकान चलाई 5 पैसा प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर कैसा लग रहा है, बोलो बोलो कैसा लग रहा है, ये भैया जैसे तो ना खोलते सोया जाती, कहीं मजूरी भी ना निकली, साल भर कहीं मजूरी करते तो पैसा मिल जाती, जहां तो वो भी नहीं मिला, होता है कि नहीं होता है, बोलो इतिहास समझ में आ गया आपको। 2 शब्द बता दिए मैंने, स्वाध्याय नॉट रीडिंग ओनली, हाँ वेरी गुड बेटे शाबाश निर्णय, नंबर 2 सत्संग, निश्चय सत्संग और व्यवहार सत्संग, निश्चय में कौन का संग करना है, हाँ वेरी गुड, अपनी शुद्धात्मा का और ध्रुव का, अपनी नहीं अपन, हाँ जो अपना है अपन वो है, नहीं समझ आई, अपन का क्या, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा तो तुमको हो, इसका तुम शरीर हो और आत्मा तुम्हारी है, नहीं नहीं शरीर तुम्हारा है और तुम हो, समझ आया कि नहीं, तुम आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो, शब्द कछु भी कह लेते, भगवान आत्मा हो, ध्रुव हो,
ज्ञायक हो, शुद्ध आत्मा हो, जो कहना है कहो, लेकिन शरीर तुम्हारा है, ठीक है, कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अपन उल्टा बोल रहे, हाँ भाई, अपन आत्मा की अपनी आत्मा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसलिए तुम्हें यहाँ बैठा, मजा आ गया हमें, दमो आए हमारे पैसा वसूल भाई, मजा आ जाता, बहुत अच्छा। तुम लोग बुलाते हैं नहीं, कहा भाई ये तुम बुलाते ही नहीं, चलो 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 अभी आ गए। अब तीसरा सिद्धांत पढ़ाना, अब थोड़ा गरिष्ठ है, अब गरिष्ठ है, दो स्टेप हो गए, अब तीसरा, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, इसमें शब्द लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ। शास्त्र पढ़ता है तो कैसे पढ़ना, देखो पढ़, ये तो बता दिया, शास्त्र भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ाता हूं। भगवान की वाणी माने दिव्य ध्वनि, बराबर, भगवान की वाणी मतलब, भगवान की वाणी मतलब भगवान का पता ही होगा, अनंत भगवान समोसरण दिव्य ध्वनि कहती है उनकी, उस दिव्य ध्वनि में, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आज, मैं अभी आधा घंटा लू है ना, 9:02 हो गए मेरी घड़ी, बोलो, चलो, जब तुम नींद आए तो जगा दी, क्यों मतलब मना कर दी, मतलब बंद कर दी, ठीक है, अच्छा लग रहा है, आधा घंटा मैं पूरा लूंगा और पूरी मेहनत करनी है आपको, अब मेहनत होगी, अब सिद्धांत पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जिनागम के गुण रहस्य पढ़ा रहा हूं, हाउ टू डिसाइड, डिसाइड कैसे करना चाहिए ये पढ़ाना है। भगवान की वाणी की मैं द्वादशांग आया, भगवान की वाणी में द्वादशांग आया, उस द्वादशांग में ओनली दो बात आई, देखो कितने शॉर्ट में पढ़ा रहे, द्वादशांग में लाखों करोड़ों अरबों खरबों छंद सूत्र हैं, मैं उन सबको दो 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 शब्दों में कह रहा हूं, उसका नाम है अनेकांत और स्याद्वार, ठीक, क्या बोला मैंने, वेरी गुड, दिखवाने अनेकांत, दिखवाने, अब इन दोनों का मतलब ही समझो, आज के बाद तुम जैनी बन जाओगे, कोई तुमसे पूछे अनेकांत क्या तुम बता दोगे, स्याद्वार क्या तुम बता दोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, आप बिल्कुल पढ़ाई चलेगी, दृष्टांत थोड़े कम होंगे लेकिन पढ़ाई ज्यादा होगी। अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप, अनेकांत मतलब वस्तु का स्वरूप, अनेकांत का मतलब, अब वस्तु का स्वरूप का मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व द्रव्य गुण पर्याय, ये सब वस्तु का स्वरूप कहलाते, बराबर, इसकी एक विशेषता है वस्तु के स्वरूप की, ध्यान से सुनना, अब प्रवचन में मस्ती नहीं होगी थोड़ी सी, इस वस्तु के स्वरूप में एक अद्भुत 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 बात है जो पूरे जिनागम का प्राण है, और जी एक लाइन मिस कर गए तो आप कुछ नहीं समझो, इसमें लिखा है कैसे पढ़ना, मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना, चारों अनियो कैसे पढ़ना ये बता रहा हूं, फिर से कौन था, अनिकांत मतलब, अब इसकी एक लाइन जो अभी मैंने नहीं बताई, वो पूरे जैन शासन का प्राण है और बल है द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता, क्या बोला, द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता, क्या बोला बेटे, ये एक लाइन है ना, ये है महाप्राण, यदि जैन शासन में से ये प्राण निकाल दिए जाएं तो डेड बॉडी है द्वादशा में, कुछ नहीं, ऐसा कहकर मैं कहता हूं जिंदगी में द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता यदि मानी तो द्वादशांग माना, और यदि आपने द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानी तो द्वादशांग पूरा पढ़ करके भी कुछ नहीं समझी। मैंने फिर एक बात बोली है, द्वादशांग का प्राण, क्या बोला मैंने, क्या क्या, हाँ, द्रवगुण पर्याय की, यदि ये निकल गया तो डेड बॉडी है, कुछ दम नहीं। मैं 3 लेक्चर मतलब 3 प्रवचन होने मुझे, एक अभी और 2 सकल, मैं आपको इनमें ये समझाने की कोशिश करूं, आपको समझने की पूरी कोशिश करिए। आइए वापस, ये कौन था, अनिकांत मतलब वस्तु का स्वरूप में 6 द्रव्य 7 तत्व द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता। चलिए ये है स्याद्वार, ये है स्याद्वार, सारा काम इधर होना है, सारा काम इधर होना है, ध्यान रखना, इसकी समझ है तो पक्के में मोक्ष,
कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसकी समझ है तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसकी समझ इतनी सरल है कि पशुओं को भी हो जाए, नारकी को भी हो जाए, अनपढ़ लोगों को भी हो जाए, इतनी सरल है। लेकिन एक टिपिकल है, एक टिपिकल क्या कहना है, एक ट्विस्ट है इसमें, अंग्रेजी में कहते हैं ट्विस्ट है इसमें एक थोड़ा सा, और वो ये है कि ये बोलता नहीं, ये बोलता नहीं है। इसकी एक विशेषता है, ये एक ही प्रकार का सत्य है, एक ही प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये पांच इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। समझ में आ जाता है, पकड़ में नहीं आता। एक ही शब्द ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? पांच इंद्रियों से पकड़ में, जैसे आत्मा दिखती नहीं, द्रव दिखता नहीं है, गुण दिखते नहीं है, पर्याय दिखती नहीं है, आपको स्वतंत्रता दिखती नहीं है। आज आपको भौतिक विज्ञान का जितनी जल्दी विश्वास आता है, आत्मा का विश्वास नहीं आता। क्यों नहीं आता? आत्मा दिखता नहीं है। आइसक्रीम खाने में मजा आता है कि नहीं आता है? देखो सबका मुंह एकदम मजे में आया, हाँ हाँ पंडित जी जलकर। अब मैं कहता हूं आत्मा के आत्मा का आनंद आता है कि नहीं? हाँ आउट हुई है, हमने देखो ही नहीं। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पकड़ना इसको। क्या बोला था, ये कौन है? आने का मतलब मस्तिका स्वरूप का मतलब छह द्रव्य। बहुत बढ़िया, बड़ा बहुत बढ़िया। इसकी एक कमी है, कमी है। एक ही प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर भी, नॉन चेंजेबल ट्रुथ होने पर भी, इसको अनंत भगवान भी नहीं बदल सकते, इसको सिद्ध भगवान भी नहीं बदल सकते, सारा विज्ञान मिलकर नहीं बदल सकता इसे। ये अनादि अनंत एक रूप है। यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं? बस ये आपको एक बार बताऊं, सब लोगों को, सब लोगों ने अनेकांत को स्वीकार नहीं किया विश्व में, एक जैन दर्शन के सिवाय। आप देखने जाकर अनेकांत की चर्चा कहीं नहीं मिलेगी आपको, केवल जैन धर्म में मिलेगी। ये कैसे मिलेगी आपको, कैसे पता मालूम है? जैन धर्म की परिभाषा क्या है? बत्थु सहाबो रंगो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आगे अनेकांत, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ट्रेडिशन का नाम धर्म नहीं है। अन्य मत में किसी को खुश करने का नाम धर्म है। वे खुदा को खुश करेंगे, वे ठाकुर जी को खुश करेंगे, वे पलाजी को खुश करेंगे, ईसाई जीसस को खुश करेंगे। हमारे यहां हमारे यहां किसी को खुश करने का नाम धर्म नहीं। बराबर। इसकी एक कमी, ये पांच इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। लेकिन समझना चाहो तो समझ सकते हो। मैं इस पकड़ और समझ के बीच का अंतर करूंगा, समझोगे? इसीलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है, इसे पांच इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते आप, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते नहीं पकड़ सकोगे। और गजब है, सुनते समय ही समझोगे, पढ़ते पढ़ते समझोगे। कैसे? इसीलिए तीर्थंकरों ने उनकी वाणी में स्याद्वाद का जन्म हुआ। क्या बोला हमने? स्याद्वाद का जन्म हुआ। काय का जन्म हुआ? बस अनेकांत और स्याद्वाद, भगवान की दिव्य ध्वनि की दो विशेषता थी ना, अनेकांत और तो स्याद्वाद ने क्या किया? ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक शब्द काम का है मेरा, एक एक शब्द काम का है। स्याद्वाद का एक काम है, ध्यान से सुनना, स्याद्वाद, ध्यान से सुनना, स्याद्वाद अनेक प्रकार से अनेकांत को समझाता है। फिर से, अनेकांत एक ही प्रकार का है और स्याद्वाद अनेक प्रकार से इसको समझाता है। क्या बोला मैंने? स्याद्वाद क्या करता है? जिस जर काम की लाइन है, सब लोग सुनना, भी विद्वान लोग भी ध्यान से सुनना, सही बताऊं, थोड़ी सी नाराज नहीं हो सो, विद्वान लोग भी ये बात नहीं सीख पाते, कई बार क्षमा करना, नहीं सीख पाते।
कि उन्हें सियादवाद से अधिकांश समझाना है, उन्हें सियादवाद नहीं समझाना, उन्हें नए चक्र नहीं समझाना है, सियादवाद नहीं समझाना है, सियादवाद से अधिकांश समझाना है। अभी तुम समझ में नहीं आया ना सियादवाद कुछ, अभी समझाता हूं। सियादवाद माने एक ही सत्य को, सियादवाद माने एक ही सत्य को अनेक अपेक्षाओं से समझाना। सियाद माने किसी अपेक्षा, बात माने कहना, किसी अपेक्षा से कहना, लेकिन कहना किसको? सियादवाद समझना कि अनेकान समझना? सियादवाद समझना कि अनेकान समझना? अब बस इतनी पढ़ाई होगी, बहुत है, अब टाइम नहीं हो, अब दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत, यहाँ एक बेसन का लड्डू है, बेसन का लड्डू, तुम्हारा नाम क्या है? अति सहज है। तुम्हारे भाई भी हैं और भी हैं? कितने हैं? एक ही है, बहुत कम होने लगे आजकल। सही, जो भी बड़ो बेकार लगा, घर में चार छह तो ठगुआ हुए तो अच्छा लगा, मोड़ा मोड़ी संग संग खेले उठे बैठे, अब बेचारे मोड़ा मोड़ी अकेले हैं, सो मोबाइल पकड़ ली बेचारे, अकेलापन हो रहा है, अकेलापन। अमेरिका में इतनी सब कुछ संपत्ति है, और अखबार में आया था 8 दिन पहले 60% लोग डिप्रेशन के शिकार, अकेलेपन के शिकार, मोबाइल से भी बोर हो गए, अभी इंटरनेट टीवी से भी बोर हो गए, वही देख के कहा देख गए। लेकिन अपन तो कह रहे चलो, तो अति से ध्यान रखना है ना, तो लड्डू है ने? अति से तुम्हारे घर में कितने मेंबर है टोटल, दादा दादी है कि नहीं है? मम्मी पापा और दो तुम, छह तो है ही कम से कम, है ना? और भी कोई बुआ वगैरह नहीं? कौन? चाची चाची भी नहीं? दुर्लभ हो गए सब। छह है ना? अब समझो, तो घर में छह लड्डू आए, छह बेसन के लड्डू आए, तो जे अति से स्कूल गया हुआ था, बाकी पांच लोग घर में थे, सब लेके खा लो। अब जाके छोटी बहन है, तो आइए तो भैया कोई बात, तो अब भैया ने कही बहुत टेस्टी है लड्डू, एक और दे दे, छह तो थे ही, पांच जनों ने खाई ले, जाके साग बचो, तो अति साग के साग बचा रहा। सो दो बच्चे बोले और दे दे। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, सियाद बात पढ़ाने मुझे, ध्यान से सुनना सभी लोग, हम जो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन लड्डू यही खाना, ये ध्यान रखना, आप लड्डू यही है और यही खाना है, बेसन का लड्डू ही खाना है, ये ध्यान रखना है, ये अनेकान और ये सियादवाद। तो लड्डू का है जी, बेसन का, बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना, ये एक सत्य है और ये दुर्लभ सत्य है और एक ही सत्य है, लेकिन जी अनेक प्रकार से बोलेगा, अनेक प्रकार, सियादवाद मतलब अनेक प्रकार से बोलना। तो जैसे दूसरे बच्चे भैया ने कहीं जाके लड्डू और दे, बोले अतिशय को लड्डू है, तब अब मैं पूछ रहे जो बेसन को लड्डू है कि अतिशय को है? अब लड्डू तो वही को वही है, लेकिन दो अपेक्षाएं आ गई, ये सियादवाद, ये सियादवाद हो गया। अब आप सही बताना, जो लड्डू बेसन का है कि अतिशय का? तो अतिशय को कह रहे, समझ तो गए, सब समझ गए, सब मैंने क्या कहा, समझना सरल है, कहना कठिन है। अब यदि तुम शब्दों का अर्थ निकालने लगो, शब्दों का अर्थ, और तुम्हें सियादवाद नहीं मालूम हो, तुम्हें सियादवाद नहीं मालूम हो, शब्दों के अर्थ निकालो, तो अब क्या मुसीबत आएगी वो बताता हूँ। ये पंडित जी हो नए नए सियादवाद और निश्चय नए और व्यवहार नए, जबरन चक्कर चला रहे, कहा फर्क पड़े, बेसन को लड्डू हो चाहे अतिशय को, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो सुनो कब परेशानी आई, कि बेसन का लड्डू बनाने के लिए तो बेसन को कढ़ाई में सेकना पड़ो, तब वो बेसन को लड्डू बनो, और अतिशय को लड्डू बनाने हो तो पूछो भैया मम्मी से, अतिशय को लड्डू बनाना मैंने अर्थ कितना अलग है, अतिशय का लड्डू है कि नहीं, अब कि नहीं है, तो फिर कह रहे तो रहे, यहां कह रहे, क्यों कह रहे, वो अतिशय खाएगा इस लड्डू को, ये बताने के लिए पॉइंट नोट किया जाए,
जब वो अतिशय का लड्डू कहा जाए तो आप अतिशय का लड्डू नहीं बेसन का ही समझना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जब लड्डू बेसन का कहें तो लड्डू बेसन का ही समझना, लेकिन जब अतिशय का लड्डू कहें तब भी लड्डू तो सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे ही हम कहेंगे आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो तुम ज्ञान स्वभावी ही समझना, और जब हम कहें आत्मा रागी है, जय शाबाश बेटा बहुत बड़ी, सही में मजा आएगा, तुम बुलाइयो हमें जल्दी मजा आ गया, बढ़िया मजा आया कि नहीं आया। अब और आगे चलो, अब ये अतिशय भाई साहब स्कूल से आए, मैडम ने डांटा हुई कची मार मुर्दा होगी, सो घर आए सो मम्मी ने कहा लड्डू खा ले जल्दी, नहीं तो भैया खा से फेंक दो लड्डू, हे नाश में 10 रुपया को लड्डू है तो ले, अब 30 रुपया याद आएगा, 10 रुपया को लड्डू को सत्यनाश कर रहा तुमने। अब देखो हम 10 रुपए का लड्डू कहे तो अभी तुम क्या समझना, ये सम्यक दर्शन है। ऐसे अनेक प्रकार का स्यादवाद आएगा, लेकिन तुम तो अपने को भगवान आत्मा ही अनुभव करना, देह से भिन्न ही अनुभव करना, एक दिन तुम्हारा मोक्ष नक्की है, इतने में मोक्ष हो जाएगा बिल्कुल नहीं डरना है, मोक्ष हो जाएगा, इतनी पढ़ाई बहुत है, लेकिन हमने कैसे पढ़ना पता, हाँ वो तो निश्चय से बेसन को है, वो वैसे तो व्यवहार से तो अतिशय को ही है वो, और क्या फर्क पड़ा निश्चय से कहो चाहे व्यवहार से कहो, अपन तो ये कई लड्डू समझ जाते, नहीं समझते तो हम जब हम कहते हैं तो ना आगे और बोले छोटा सा तो झगड़ा ज्यादा हो गया, तो 10 रुपए का लड्डू हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं बिगड़ा, क्या फर्क पड़ रहा हो, अरे बेटा मामा को लड्डू है तो अब समझ गए, मामा ले आए थे बड़े प्रेम से ले आए थे, अतिशय को कह रहे थे अतिशय जरूर खुवाई, देखो अब मामा को लड्डू होगा, वो लड्डू एक ही प्रकार का है, अब सियादवाद कितने हो सकते हैं पता है, असंख्यात, सिंधी की दुकान से खरीदो वो लड्डू तो सिंधी को लड्डू, बंबई से लाए तो बंबई को लड्डू, प्रसाद को लड्डू प्रसाद को लड्डू, कितने लड्डू हो सकते हैं बोलो, नहीं नहीं लड्डू एक ही है, और कथन हाँ हाँ हम सब भगवान आत्मा ही है। तो नहीं लगा ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बता रहे, नहीं टाइम पूरा हो जाए हमारा, सही में थके तो नहीं परेशान तो नहीं, बताती नहीं सुनो, जैसी पत्नी कहे हे पति देवता तो झट कह रही हाउ ऐसी ऐसी कह रही अपन तो भगवान है, ये सम्यक दर्शन की विधि है, इतनी सी प्रैक्टिकल कर लो बस, अभी तुम घर जाओगे बेटा बेटा हाउ बेटा तो जीजा की वजह से कह रही अपन तो बस नहीं पड़े, बोले कौन कौन को मोक्ष जाना है बोले, पक्के में इतना ही करना है, इतना ही बस इतना ही करना है, ए सेठ जी सेठ जी सेठ जी, अरे ये तो पैसा की वजह से सेठ जी कह रहे, ये तो पैसा की वजह से सेठ जी कह रहे, अपन तो ए फिर से अनेका लड्डू तो अब कदम कितने हो सकते हैं बोलो, चाचा को लड्डू, चाचा कितने से आए हुए हैं, ससुराल के लड्डू तो आते ही है, ससुराल को लड्डू, वहां में ससुराल है ही नहीं, लड्डू में तो कहने की बात है, समझ में आया कुछ, बोले पूछे बेटा अतिशय तुम लड़का हो कि लड़की हो, कि कछुआ कछुआ कछुआ, अब बोलो फिर से बोल तो सोच के, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं, अप्पा सो परमप्पा मैं तो परमात्मा ही हूं, आगे समझ में आया कि नहीं आया था, अब तो नहीं डर डर होती कब आई है, तुम करोड़पति हो लखपति हो, जल्दी बोलो, ए नकल करा रही है अकल लगाओ, यही तो हमें निर्णय कराना, यही तो कहना स्वाध्याय में ऐसे निर्णय करना है हमें, स्वाध्याय पढ़ना नहीं, हाँ आज तो सियादवाद बहुत अच्छा पढ़ लो, सियादवाद अच्छा पढ़ लो, चलो भैया दुकान जाए रोटी खाए जैसे काम चले, ए तो सियादवाद को क्या मतलब निकलो, हमारी ऐसी पढ़ाई होती है, अनेकान समझ गए, चार अभाव समझ गए, और भैया बहुत सूक्ष्म समझ गए,
बड़ी अच्छी गाथा है वह स्पेशल। अरे कुछ भी स्पेशल नहीं, मैं स्पेशल हूं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? हा, फिर से चलो फिर से, अभी डरो नहीं। हाँ कहा भाई क्या तुम दिगंबर जी है ना, कि तार समाज वाले हो? अरे भाई क्या तारण स्वामी ने यही तो सिखाया, यही तो सिखाया, मैं भगवान आता हूं। समझ गए दृष्टांत? लड्डू तो कथन बहुत दृष्टांत दे सकते। कहे तुम इंडियन हो कि पाकिस्तानी? अब अपन इंडियन है। अरे इंडियन हो कि मध्य प्रदेश के हो? तो इंडियन हो कि मध्य प्रदेश के हो? मध्य प्रदेश के। अच्छा हाँ देखो दो के हो गए, लेकिन अपन तो कहे तुम एशियन हो कि इंडियन हो? दोनों देखो दोनों हो गए। कहे तुम रोगी हो कि स्वस्थ हो? बीमार हो तो रोगी भी कह दें। कहे तुम विद्यार्थी हो कि व्यापारी? तो विद्यार्थी भी कह दें। ओ एक आत्मा के कितने नाम हो गए, पकड़ में आई बात? एक आत्मा के कितने नाम हो गए। नहीं नहीं सुनो सुनो, मैं तो इतनी बात समझ आ गई आपको? अनेकांत और सियाजबाद, सियाजबाद ध्यान से सुनना भैया, सियाजबाद से सियाजबाद से तो नहीं करना, सियाजबाद अनेकांत को समझाता है। अनेकांत कितने प्रकार का है? अनेकांत का प्राण क्या है? वाह 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 बहुत बढ़िया, द्रगुण पर्याय की रात हो गई, अभी इतना ही बहुत है। ओम नमः शिवाय।